तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आगे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो बहुत ज़्यादा कमेंट इस पे रहता है, अपने कार को हम लोग कितना किलोमीटर कंटिन्यू, मतलब कितना किलोमीटर चला सकते हैं, मतलब कितना लंबा चला सकते हैं, कितना दूर तक चला सकते हैं, ये कह सकते हो आप। आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने कार को कितना चला सकते हो और कितना नहीं चला सकते हो, 2,000, 3,000, 10,000, ठीक है, वो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अपने कार को हम लोग कितना चला सकते हैं। जैसे कि कभी आपने अपने जब भी कार लिया होगा तो अपने शोरूम में पूछा होगा, अपने जो भी जो आपको कार दिखा रहे हैं या फिर जो भी कार दे रहे हैं, तो आपने कभी पूछा होगा कि इस कार को हम कितने दूर तक चला सकते हैं, तो इसका जवाब आपको कभी सही नहीं मिला होगा। या फिर बहुत बार जो भी होते हैं वर्कर, जो भी एम्प्लॉयर होते हैं, वो चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता है कि इसका जवाब क्या दे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज बताते हैं कि इस कार को और कोई भी कार को आप कितना चला सकते हो, मतलब कितने दूर के लिए चला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये जान लो कि आप अपने कार को 3 घंटे लगातार या फिर 300 किलोमीटर चला सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। अब आप उस 3 घंटे में चाहे 200 किलोमीटर चलाओ या 500 किलोमीटर चलाओ या 600 किलोमीटर चलाओ, ठीक है, बट आपको 3 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करना है। और उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटे का आप ले लो, आपको बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना है। अब वही जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप उसके अंडर 200 किलोमीटर चलाओ या 500 किलोमीटर चलाओ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट देख सकते हो भाई क्या रफ्तार के साथ बस आते हैं यहाँ पे, तो देखना ज़रूरी होता है। पता चला पीछे से उड़ा के चला गया। तो आप 300 किलोमीटर चला सकते हो या फिर 3 घंटे लगातार चला सकते हो। सिंपल सा बात है, अगर आप 3 घंटे का ड्राइव करते हो कंटिन्यू, तो मैक्स टू मैक्स आप 200 से 300 या फिर 400 किलोमीटर आप चला सकते हो। उससे ज़्यादा डिपेंड करता है रास्ते पे कितने ट्रैफिक मिल रहा है आपको या फिर नहीं मिल रहा है। तो आप सोच रहे हो कि क्यों इसने 3 घंटे का बोला या फिर 300 किलोमीटर का, तो आप जैसा आप नॉर्मल लाइफ में भी देखो, तो जब भी आप कहीं काम भी करते हो, तो आप अगर मान लो कि 6 घंटे का काम या 8 घंटे का काम करते हो, तो 4 घंटे बाद आपको आधे घंटा 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, ठीक है, वो आपको ब्रेक हर कोई को मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको खाना खाने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, बट फिर भी आपको ब्रेक मिलता है आधे से 1 घंटे के बीच का। तो क्यों मिलता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट में खाना खाओ और थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट दो, थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लो, इसलिए आपको इतना ब्रेक मिलता है। तो उसी तरीका से आपका मशीन काम करता है, आपको 3 घंटे का ड्राइव करके आधा घंटा अपने मशीन को रेस्ट देना ज़रूरी है। और ये भी बताएंगे आपको कि क्यों, ठीक है, क्यों आप इतना कम चला सकते हो या फिर क्यों आपको कहा जाता है कि ज़्यादा कंटिन्यू ड्राइव नहीं करने के लिए। आज हम प्रॉपर आपको इस चीज़ में का डिटेल देने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है आप सभी को जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो जैसे कि 3 घंटे का ब्रेक लेना है, 3 घंटे के बाद आप जब भी चलाओ तो 3 घंटे का ड्राइव करो और उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट आधा घंटा ब्रेक देना है, ठीक है, क्योंकि आपके इंजन का जो टेम्परेचर होता है उसको भी डाउन होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि आप खुद पे देख लो, आप चलते रहते हो दौड़ते हो, तो आपको लगता है भाई अब रुक जाओ थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है, बॉडी पंप हो जाता है आपका। तो उसी तरह इंजन के साथ है, अगर आप इंजन को कंटिन्यू चलाओगे, लगातार चलाओगे, तो इंजन में हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसमें इशू क्या क्या आते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि आपको 3 घंटे का ड्राइव करना चाहिए या फिर 300-400 किलोमीटर आप कवर करो, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या परेशानियां आती है इसके बीच में। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है भाई, वो आती है टर्बो में, बिल्कुल सही। और जैसा कि आप जानते हैं, अब कंपनी ने हर जगह, कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा है जहाँ पे आप सेंसर को ना पेला हो, हर जगह आपके कार में सेंसर से ही सेंसर्स होते हैं, तो आपको सारी चीज़ के इंडिकेटर दे देते हैं। अगर टायर प्रेशर कम है तो वो भी बता देगा, कूलेंट कम है वो भी बता देगा, जो भी इशू होता है वो सारे इंडिकेट कर देता है आपको। बट टर्बो ही ऐसा चीज़ है जिसका इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है कार में, और जो सबसे ज़्यादा फुकती है वो होती है टर्बो, ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा आपको टर्बो पे ही ध्यान देना होता है। ज़्यादा अगर आप कंटिन्यू ड्राइव करोगे तो वो फूक जाएगा, इसलिए टर्बो को कहा जाता है कि टर्बो सबसे ज़्यादा फूकता है। इसीलिए आप थोड़ा ड्राइव करो तो ब्रेक लो, उसके बाद आप ड्राइव करो, कहीं पे ढाबा पे रोक दो, अपना खाना वाना चाय पानी करो, उसके बाद फिर आप चलाओ। तो इसीलिए टर्बो पे इशू सबसे ज़्यादा आता है। और अब बात करें दूसरे पॉइंट का, तो दूसरे पॉइंट का बात करें तो उसमें आती है टायर। ठीक है, टायर भाई साहब, टायर को भूलना नहीं है, टायर सबसे ज़्यादा रोल करती है, मेन रोल दिखाती है। अगर आपका टायर वीक है, ठीक है, वो एवरेज है, तो आप सिटी में उसको 10,000 भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप सिटी में भी चलाते हो ना, तो वीक टायर को तो 10,000 से ऊपर चला सकते हो, बट अगर आप वही हाईवे पे लाओगे ना, तो 1,000-1,500 किलोमीटर पे भी आपको डर लगेगा कि भाई साहब टायर तो मेरा डैमेज है, ये है। तो इसका भी रीज़न वो आपको बता देते हैं। रीज़न क्या है कि अगर आप सिटी में चलते हो तो आपको टायर प्रेशर ज़्यादा, टायर हीट नहीं होती क्योंकि वो रुकती रहती है, चलते रहती है, ठीक है। बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो, लंबे रन पे चलते हो, टायर में अगर आप 30 पॉइंट हवा रख रहे हो, 35 पॉइंट रख रहे हो, बट अगर आप वही हाईवे पे चलाओगे तो वो डायरेक्ट 70-80 हो जाता है। आप चेक कर लेना, ऐसा पंप होता है टायर में, और ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं भाई टायर का। आप बहुत बार देखते हो, यमुना उमुना पे आप लेके चले जाओ, आपको पता चल जाएगा टायर प्रेशर क्या मैटर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब भी मतलब आप चलो तो टायर का कंडीशन देख लो, टायर प्रेशर देख लो, इसीलिए ओवरऑल आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो आप समझ गए हो कि आप किस वे में चलो, किस पैटर्न में चलो कि आप लंबा रन चल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, जो सबसे ज़रूरी ये भी आता है, वो है आपके ब्रेक्स का। ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है, ब्रेक्स पैड। अगर आप लंबा ड्राइव कर रहे हो, लंबा ड्राइव कर रहे हो और आपको ब्रेक ज़्यादा ये करना पड़ रहा है, तो उसमें होता क्या है कि आपके ब्रेक पैड फूक जाते हैं, पूरे तरीके से फूक जाते हैं, पूरा हीट हो जाता है, फिर वो ब्रेक कभी कभी ब्रेक पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो आपको ब्रेक पैड पे भी ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा ब्रेक यूज़ ना कर रहे हो, हार्ड ब्रेकिंग नहीं करो आप। ये सब चीज़ का आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि आप अगर ऐसे चल रहे हो तो ये सब चीज़ आप करते रहो। और मेन चीज़ होता है कि जब आप ऐसे चलते हो ना, तो आपके कार में खतरा भाई बहुत बढ़ जाता है। अगर आपने कार का और आप अपना सेफ्टी साइड करते हो, ठीक है, तब तो आप 2,000 चल सकते हो, 2,500-3,000, वो आपके ऊपर आता है, वो आपके बॉडी के ऊपर आता है कि आप कितना घिस सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों का सेफ्टी हटा के देखोगे तो आप आपके हाथ में आप जितना चला लो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये दोनों चीज़ को, अगर आप ये दोनों चीज़ को लेके चलते हो, अपना भी सेफ्टी और अपने कार का भी सेफ्टी, तो आपको ये सब चीज़ जो मैंने अभी बताया वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। और ये ऐसा चीज़ नहीं है कि ये भाई बकवास हो, ये रियलिटी है। और कभी भी आप रुको कहीं पे, जैसे आप ब्रेक ले रहे हो, लंबा रन कर रहे हो, लंबा ड्राइव पे हो आप, तो कहीं ढाबा पे या फिर कभी भी रोको आप, तो अपने कार को एक बार दोनों चारों तरफ से देख लो कि कार आपका सही तो है, कहीं से बम्पर तो नहीं उखड़ गया, या फिर कहीं से कूलेंट तो लीक नहीं है। होता है ऐसा कि आप तेज चलते हो तो कहीं कहीं पे कोई भी पार्ट्स में कोई इशू आ सकता है, तो आपको ये सब चीज़ देखते रहना कि भाई आपका कार का कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से ऑयल ड्रेनिंग नहीं हो रहा हो, कूलेंट नहीं गिर रहा हो, तो ये सब भी चीज़ देखना होता है। इसलिए कहा जाता है सेफ्टी के साथ आप देखोगे तो ओवरऑल ये सब चीज़ें होती है भाई, नो डाउट। चाहे आप कितना भी अच्छे कार को चला लो, ये सब चीज़ें आएंगी। टर्बो पे ध्यान देना होगा, आप ज़्यादा लंबे चल रहे हैं। मेरा ही एक फ्रेंड है, अभी याद आ गया ऐसे टर्बो पे बात हुआ, तो मेरा एक फ्रेंड है, वो शायद चंडीगढ़ से या फिर कहीं से वो आ रहा था, और अराउंड वो जा रहा था कहीं पे हिमाचल में ही, अराउंड 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो जहाँ जा रहा था, और उसका टर्बो फूक गया भाई, और वो कहीं लंबा रन कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड था। तो अभी याद आ गया टर्बो का बात, तो उस पर बता रहे हैं आपको कि वो कोई अपने घर जा रहा था या कहीं जा रहा था, और वो 600-700 के आसपास का उसका ड्राइव था, और वो जा रहा था और वो कंटिन्यू खींच रहा था। वो बोला भाई लंबा ब्रेक कम लेंगे और हम खींचेंगे कार को ज़्यादा, तो हम भी बोले भाई चलो बहुत सही है, बस सेफ जाना। तो अराउंड 300-400 किलोमीटर के बाद भाई उसका फ़ोन आता है, बोलता है भाई मेरा टर्बो फूक गया, गाड़ी से धुआं बहुत आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मतलब चांसेस तो थे, तुमने कहा कि लंबा खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्रेक कम लेना है, तो अगर आप सब कुछ देखोगे तो ये सब चीज़ भी होगा। तो उसके बाद से वो समझ गया कि भाई कार कोई भी हो, अगर आप हीटिंग में
इंजन जा रहा है, आपका हीटिंग में इंजन जा रहा है, तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो जो भी ये चीज़ कहते हैं कि कार को कितना लंबा चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कितना चला सकते हो, नहीं चला सकते हो और कैसे चला सकते हो और किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तीन चीज़ ही मेन होता है भाई, टर्बो और फिर आपका एयर, टायर एयर प्रेशर, टायर का क्वालिटी और तीसरा ब्रेक पैड। ये तीन चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है देख के चलना, बाकी सब कुछ सही रहता है मोस्टली। और रेयर ही ऐसा कंडीशन होता है कि कभी कोई और इशू होता है। ओवरऑल तो यही तीन चीज़ में ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा भाई आप सभी को जो ये वीडियोस देखते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कर लीजिए, अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। करना है नहीं करना, ईमानदारी से आप करवा रहे हैं नहीं कर रहे, ये हम पूछेंगे आपसे, तो करना है ना। और ऐसा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहेगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल आप समझ लो कि आप अगर लंबा ट्रिप करना चाह रहे हो और आपका मन का क्वेश्चन ये है कि कार को हम लोग कितना लंबा चला सकते हैं, तो 3 घंटे या फिर 300 किलोमीटर एक राउंड में, ठीक है। मान लो आपको 3000 चलना है, तो आप 3 घंटे पे एक बार ब्रेक ले लो 20 मिनट का 30 मिनट का, उसके बाद फिर आप 300 किलोमीटर चलाओ, 3 घंटे चलाओ, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, तो आप वैसे चला सकते हो, ज़्यादा बेटर है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बता देता हूँ बात, ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं ना उसका रीज़न आप पूछोगे ना, भाई आँख लग गया था, भाई ये हो गया था, आँख तो खुला हुआ था बट दिमागी काम नहीं कर रहा था, समझ सकते हो आप। अगर आप लंबा चलोगे, ज़्यादा कंटिन्यू चलाओगे, आपका बॉडी थक जाता है, आपको मतलब सुस्तीपन आ जाता है, सुस्ती होने लगता है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब आप सभी को, तो ये सब चीज़ समझो। और ओवरऑल यही कहना चाह रहे थे कि 300 या तो 3 घंटा, ठीक है। बाकी होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस लाइक करिए वीडियो को, आप लोग प्यार देते हो बट अच्छे से दिया करो यार, जब प्यार दे ही रहे हो तो अच्छे से प्यार दिया करो, शेयर करो अपने भाई का चैनल अपने फ्रेंड्स फैमिली में। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।